गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो मेरे पापा ऑफिस जा चुके हैं और स्कूल जा चुका है, तो आज भी तबीयत ठीक रही है। मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, रात को भी तबीयत खराब हो गई, थकान हो गई मेरे को। अरे क्या हो रहा है मेरा, ये तो दर्द हो रहा है, ये भी सब दर्द हो रहा है, दांतों की वजह से ये सब दर्द हो रहा है। कुछ खाया नहीं जा रहा इसकी वजह से, और नाश्ता मैंने कर लिया है, एक एप्पल खाया है मैंने नाश्ते में। और अब करेंगे काम, तो काम करके फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखिए मेरा सारा घर का काम हो चुका है और मैंने लंच वगैरह सब कर लिया है, बनमोल कर रहा है लंच। और तबीयत ठीक नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा, नहाने को मन नहीं हो रहा, ठंड लग रही है, आज भी बहुत परेशान हो रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है आज, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से शरीर गिरा गिरा सब शरीर हो गया, ठंड भी लग रही है और दांत से तो मैं परेशान हुई। तो सुबह से मैंने ब्लॉग तक नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने को, आने का सो रही कि बस सो जाऊँ, बस ऐसा ही हो रहा है सुबह से। तो बच्चे ने भी खाना वाना खा लिया, ट्यूशन वो हो आया सवेरे होकर आ गया आज, क्योंकि आज अनु रात की तबीयत ठीक नहीं थी रात को। और रात को अनमोल के पापा दही भल्ले ले आए थे और गोलगप्पे ले आए थे, तो उनने वो खा लिया। तो सवेरे उठा तो तेरा मम्मी उपकाई सी आ रही है, उल्टी होने का मन हो रहा है और शरीर उसका गर्म गर्म सा हो रहा था, तो इसलिए उसकी छुट्टी करा दी हमने। तो देखेगा ये दोनों जने, देखे मोबाइल भी लग रहे, एक क्यूपना लग रहा है, खाना वाना खा लिया दोनों ने। हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई पेपर आ रहे हैं 20 तारीख से और तुम्हारे 17 तारीख से। मेरी तो कॉपी नहीं मिली, उसकी वजह से काम बड़ा पड़ा है मेरा। कॉपी आज ढूंढूंगा पूरा, इसका बैग भी छानूंगा। हाँ ढूंढो अपनी कॉपी, फिर पेपर आ रहे कैसा करेगा। हिंदी की बुक कॉपी खो गई, उसकी हिंदी की कॉपी खो गई भाई, ढूंढो वो उसकी कॉपी, नहीं तो पेपर में कैसे करेगा। तो पूजा जा रही है फंक्शन में, तो मैंने उसका जूड़ा बनाया है, ये देखिए जूड़ा हेयर स्टाइल बनाया मैंने इसका, आगे से फ्रेंच, आगे से तैयार होकर दिखाएंगे। फ्रेंच बनाई है और यहाँ पफ बनाया है और ये जूड़ा काम कर दूंगी तेरा, ये देखिए। और मिष्टी लगा रही है पूजा के पैरों में मेहंदी, ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन लगाया है। बहुत सुंदर डिजाइन लगाती है, अगर किसी को लगवानी हो तो मिष्टी से संपर्क कर सकते हैं। देखो नंबर बता देता हूँ, 8050 8050, ठीक है। ये देखिए अभी ये कोई आपने कहीं देखा होगा कि कहीं पार्लर में जाते हैं तो हेयर स्टाइल बनवा के फिर नहा के कपड़े पहनते हैं, ये हमारे घर में पार्लर में तैयार हुई है, तो पहले हेयर स्टाइल बनवाया है और अब ये जाएगी नहाने फिर कपड़े पहनेगी। आप भी ऐसा करते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट में, हेयर स्टाइल बनवाने के बाद नहाना। सही लग रहा ना? तो हेलो गाइस, तो देखिए 6:30 हो चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ दूध लेने क्योंकि दूध ख़त्म हो गया है। और यहाँ से देखती हूँ सब्जी ले आऊँगी, और अनुराग नीचे है और अनमोल गया वॉशरूम में क्योंकि उसका भी मैंने उठाया है। कल देखिए अनमोल के पापा दही बल्ले लाए थे तो एक पैकेट हमने खा लिया था,
और एक पैकेट रह गया था, तो मैं एक पैकेट मैंने फ्रिज में से निकाल दिया ताकि नॉर्मल हो जाए और फिर खा लें हम, ताकि गला भी ख़राब ना हो हमारा और हम खा लें। तो चलिए चलते हैं दूध लेने के लिए। मैं मार्केट से आ चुके हूँ, दूध भी लेकर आई हूँ और सब्जी भी ली है। सब्जी में बस मैं बैंगन लेकर आई हूँ, बैंगन बनाऊँगी भरता स्टाइल में। तो इतनी महंगी सब्जी हो रही है कि गरीब इंसान तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता, दाल रोटी ही खा सकता है, वो सब्जी नहीं खा सकता। और इतनी महंगी सब्जी हो रही है, 60 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं और आज तो बहुत ज़्यादा ही महंगाई हो रही है, तो हार के वजह से और ज़्यादा महंगी हो गई सब्जी। तो मैं खाली बैंगन ही लेकर आई हूँ ताकि बैंगन ही बना लूँ और फिर कल कुछ और बना लेंगे। सब्जी वैसे रखी हुई है थोड़ी बहुत और ये बना लूँगी, हो जाएगा हमारा। तो चलिए, तो अन्नी के पापा भी आ चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनके लिए चाय वगैरह बना दूँ। और दही बल्ले रखे थे जो मैं निकाल के गई थी, तो वो हम दोनों ने खा लिए हैं। और आज बच्चे मेरे दोनों, अभी तक छोटा वाला अनुराग तो अभी शाम को सोया, वो नीचे जाके सो गया विंसा के कमरे में, और अनमोल दोपहर से सो रहा है, अभी तक नहीं उठा है और नींद आ रही है। मैंने कहा चलो, मैं उठा ही नहीं रही तो वो अभी तक सोया पड़ा है। मैं बाज़ार कुछ चली गई दूध लेने और सब्ज़ी लेने। चलो कोई बात नहीं, नींद आ रही तो बच्चे को कभी ये ना कहे कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, तो हमारे हाथ पैर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा था, तो इसलिए मैंने चलो अपना बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए। तो चलिए, तो मैं बनाती हूँ अनमोल के पापा के लिए चाय, तो हम दोनों चाय पियेंगे। मैं नहीं पीऊँगी, मन ही नहीं करता चाय पीने को, थोड़ी बहुत एक दो घूट पी लेती पर चाय पीने को मन ही नहीं होता। इनके लिए बनाऊंगी चाय मैं, और दूध भी उबाल दूंगी और फिर सब्जी काट दूंगी। तो करेंगे फटाफट काम करेंगे, बैक टू बैक रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो लेट हो जाएगा हमारा खाना। तो चलिए, तो करते हैं रसोई में जाके काम, तो मिलते हैं हम आपको चाय बनाने के बाद और सब्जी काटते हुए टाइम। देखिए पूजा जा रही है, ये देखिए फंक्शन में जा रही है पूजा। हमें भी जाना था मगर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे और वहाँ पर है नॉन वेज, हम नहीं खाते फ्राइडे के दिन, तो इसलिए हमारा जाना कैंसिल। ये लोग जा रहे हैं पार्टी में, बच्चे का बर्थडे है उसमें। देखिए गाइस, हमने खाना बना दिया है मैंने और हम खाना खा रहे हैं। और ये देखिए अनुराग आज सुबह से सो रहा है, बेड टाइम सोया है, आज ही सोया, शाम को 6 बजे नहीं 6 बजे नहीं 6 बजे सोया मैं नीचे 6 बजे सोया आज ये नीचे गया, नीचे जाके 6 बजे सो गया
और अब बजे हैं 10:15 और ये अब उठ कर आया है। और अनमोल दोपहर का सोया सोया वो भी अभी उठे, दोनों अभी उठे हैं। आइए देखो आज ये पूरी रात जगने वाले हैं। और हमने भी आज उठाया नहीं, सोने तो आज नींद पूरी करनी है, नींद पूरी करेंगे तभी उठाएंगे। अनमोल के पापा ने भी बोल दिया मत उठा, सोने देना। तब हम मैंने खाना बना दिया, अब हम खाना खा रहे हैं। और अभी खाने का इनका मूड है नहीं, जब खाएंगे खाते रहेंगे क्योंकि हमें तो सोना होता है। गाइस मैं खा रहा हूं। अच्छा ये खा रहा है, मैं खा रहा हूं, अनुराग ने खा रहा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम खाना खाने के बाद। आपने वो चीज नहीं करी। तो देखिए गाइस रात हो चुकी है, मम्मी सो चुकी है, मैं वीडियो का एंड कर रहे हैं। चल बोल कुछ, क्या बोले? तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाने जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, और नहीं सॉरी वो प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, और अपने घर में सुरक्षित रहिए। तो तब तक के लिए तब तक के लिए बाय बाय।